अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हमने चैप्टर नंबर 5 की 5A एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, आज हम उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा स्टेटमेंट मैंने इधर नहीं लिखी, आप लोग अपनी बुक में से स्टेटमेंट लिखेंगे। कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सम्स बाई यूजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड राइट और योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि जिस तरह हमने बोर्ड मैथ्स रूल जो हमने पढ़ा हुआ है, मतलब उसमें जो जो ऑर्डर जैसे जैसे लिखा हुआ है, अगर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को, इसी तरह आगे सारे सॉल्व करते जाना है, उस ऑर्डर को आपने फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटा सबसे पहले हमें देखें क्वेश्चन उसने दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा होगा क्वेश्चन को एज इट इज़ हम नीचे लिख लेंगे सोल्यूशन में, 5/33 - 4/9/11, ठीक है बेटा। उसके बाद हम इस मल्टीपल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 8 ऐड करेंगे। 99 को 2 से करते हैं 198 + 8 = 206 / 99 + 33 3 = 99 + 5 = 104 / 33 - 11 4 = 44 + 9 = 53 / 11, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे ख़त्म करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें ये वाला डिजिट ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो ऊपर लिख देंगे और नीचे वाला वही रहेगा। देखें ना, तीनों में नीचे वाला वही रहा हमारे पास। अब बेटा देखें, जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाती है तो हम उसी वक्त इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने का बेटा हम लोगों ने देखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ना नीचे वाले, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमने दो तरह से पढ़ा हुआ था, एक था हमारे पास बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और एक था लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन हमारे लिए आसान है बेटा, देखें ये तीनों किस छोटे से छोटे नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं, ये 11 पर हो सकते हैं। 11 9s are 99, 11 3s are 33, 11 1 is 11, ठीक है। अब ये किस पर छोटा नंबर 3 जो है किस पर डिवाइड हो सकता है, 3 पर ही, तो 3 3s are 9, 3 1 is 3, एट दिस वन वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेंगे। नेक्स्ट बेटा 1 1 को हमने नहीं देखना, इस 3 को डिवाइड करना, तो 3 सिर्फ 3 पर ही डिवाइड होता है। जब ये 1 1 आ जाता है तो फिर हमारा काम क्या होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने हमारे डिवाइजर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। 3 3s are 9, 9 11s are 99, तो बेटा इस सारे का एलसीएम क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम के आगे इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है बेटा, बहुत आसान तरीका है, डिवाइज़र को इसके इक्वल करना है, हर डिवाइज़र को इसके इस डिवाइज़र के इक्वल करना है। 99 99 की इक्वल है ना बेटा, तो देखें ऊपर वाला 206 वैसे ही लिख देंगे, ये प्लस। अब देखें 33 को 99 के इक्वल करना है, तो 33 99 कैसे हो सकता है, 33 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 99 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना होगा, तो देखें ये 3 इधर लिखेंगे और ऊपर वाला 104 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इज इट ओके। फिर ये साइन माइनस, अब 11 को 99 के इक्वल आप लोगों ने करना है, तो 11 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 99 आता है, 11 9s are 99, और ऊपर वाला 53 इसके साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, 206 ये आ गया प्लस 3 को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 312 माइनस, अगर 53 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 477 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर लेना, पहले देखें ना, अब ऊपर प्लस और माइनस हो रहा है, तो बोर्ड मैथ्स रूल हमें क्या कहता है, ये हम लिख लेते हैं ना बोर्ड मैथ्स, तो ये क्या कहता है, पहले ऐड होगा बाद में सब्ट्रैक्ट होगा, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग। 206 को 312 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 518 - 477 / 99। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो बेटा ये हमारे पास बनेगा 23 और 18 = 41 / 99, तो ये बेटा हमारा आंसर है। हम इससे ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं कर सकते, अगर ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर पर डिवाइड हो सकते होते तो हमने इन दोनों को डिवाइड और कर देना था और सिंपलीफाई कर देना था, लेकिन ये दोनों नंबर किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो बेटा हमारा यही आंसर है, हमने उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में ये सारे का सारा समझा दिया, इज इट ओके जी बेटा। देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास बी पार्ट है, फिर उसने मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। सबसे पहला सोल्यूशन में क्या काम होगा, इस सारे को हमने एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। फिर इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म की, 9 1 is 9 + 8 17 / 9, 14 3s are 42 + 5 47/14, 14 1 is 14
प्लस वन 15 डिवाइडेड बाय 14। अब बेटा देखिए बोर्ड मैस रूल हमें क्या कहता है, इधर हम लिख लेते हैं रफ वर्क में, बोर्ड मैस मल्टीप्लिकेशन और हमारे पास डिवीजन है। देखें डिवीजन पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन बाद में होगा, तो हम इसको पहले डिवीजन करेंगे। तो बेटा जब भी फ्रैक्शन में डिवीजन आ जानी, आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। डिवीजन को जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो जो राइट साइड वाली फ्रैक्शन होगी उसका डिनोमिनेटर ऊपर और न्योमिनेटर नीचे आ जाएगा, मीन्स 14 ऊपर और 15 नीचे आ जाएगा। ये देखिए हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास देखिए बेटा यहाँ पर कटिंग होगी, जब मल्टीप्लिकेशन आ जाती है तब कटिंग करते हैं ऊपर वाले को नीचे वाले से। ऊपर वाले से नहीं हो सकता, ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले से। देखिए 14 से कट गया, और कोई देखे ना 17 15 से कट रहा है, ना 17 9 से, ना ही 9 इन दोनों को कट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो फिर क्या करेंगे, 17 को 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। 9 15 135, 17 47 799, ये इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेटा ये हमारा आंसर है, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखिए, हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, फ्रैक्शन में आप ब्रैकेट भी साथ में यूज़ हो रही है, डिवीजन भी है और एडिशन भी है। सबसे पहला काम इस सारे क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा, फिर देखें बोर्ड मैस रूल का कहता है डिवाइड पहले करेंगे और ऐड बाद में करेंगे, ठीक है। हमने पहले डिवीजन करनी है, सबसे पहला काम क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेशन है डिवीजन का, तो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया जैसे ही डिवीजन का साइन आ जाए आपने उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्योमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्योमिनेटर बन जाता है, ठीक है। तो इस डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, 3 ऊपर और 1 नीचे आ गया, ठीक है बेटा। अब देखिए 3 1 इज 3 3 3 इज 9, ठीक है। ऊपर रह गया 5, नीचे रहा 3 और ये 1 3 1 इज 3, ठीक है। और ये दरमियान में एडिशन का साइन। बेटा फिर मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ये बताया था कि जब भी फ्रैक्शन के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, उसी वक्त इसका एलसीएम ले लेना है। तो 3 और 9 का एलसीएम लें, ये 3 है और ये 9 है, देखिए 3 1 इज 3 3 3 इज 9, अगेन ये 3 पर ही डिवाइड होगा, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 इज 9, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा। तो देखिए ये सारे का एलसीएम हमने लिख लिया 9। अब फिर डिवाइजर को इसके इक्वल करना है, देखिए 9 और 9 इक्वल हैं तो ऊपर वाला 8 वैसे ही आ गया। फिर ये प्लस का साइन, अब देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बनेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिखा 3 और ऊपर वाला 5 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इज इट ओके। फिर ये लिखा 8 प्लस 3 5 15, क्योंकि बोर्ड मैस रूल का देखे ना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थी, बोर्ड मैस रूल कहता है कि आपने मल्टीप्लाई पहले करना है, ठीक है, बाद में एडिशन होगी। तो 3 5 15 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23 और डिवाइजर में वही 9। हम इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये हमारा बेटा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। आज का आपका होमवर्क क्या होगा, डू प्रैक्टिस इन्हीं तीनों पार्ट्स की, 3 क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी सी, इन तीनों पार्ट्स की बेटा आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।